हेलो फ्रेंड्स, मैं जगजीत सिंह फ्रॉम हाईटेक ईसीएम रिपेयर ट्रेनिंग सेंटर पंजाब खन्ना। तो आज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं जो हमारी एकेडमी की ओर से एक बुक पब्लिश की गई है, बेसिक्स ऑफ मैकेट्रॉनिक पार्ट वन। तो ये बुक मार्केट में आप देख रहे हो। ये 170 पेज की बुक है। इस बुक के अंदर हमारा मेन कारण क्या था इसको पब्लिश करने का, तो जो हमारा सिलेबस है ईसीएम रिपेयर ट्रेनिंग का, उसके अंदर हमारे चार चैप्टर ऐसे हैं। पहला सेंसर के बारे में, दूसरा वायरिंग के बारे में, तीसरा है सेंसर टेस्टिंग, चार नंबर पे है स्कैनिंग। तो जो हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं उसको ईसीएम रिपेयर ट्रेनिंग लेने के लिए हम लोग ये ट्रेनिंग देते थे चार चैप्टर के ऊपर जो इस बुक में हमने लिखा है। इस बुक के अंदर हम लोगों ने इन चार चैप्टर के अलावा काम कैसे करना है, हमारे पास टी से रिलेटेड 3500 कोड है, टी से रिलेटेड उस 3500 कोड के अंदर क्या लैंग्वेज आ रही है उसके बारे में डिटेल दी हुई है। ये बुक रीड करने के बाद आप मैकेनिकल, जैसे कोई फॉल्ट आ गया हमारे पास स्टार्टिंग के रिलेटेड, मैकेनिकल फॉल्ट है, पहले मैकेनिक के पास गाड़ी आएगी, उसके बाद इलेक्ट्रिशियन, अगर नहीं हुई तो इलेक्ट्रिशियन की हेल्प लेते हैं, इलेक्ट्रिशियन के बाद अगर डीजल गाड़ी है तो फ्यूल के रिलेटेड टेक्नीशियन से बात करते हैं, तो उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रिशियन। तो इस बुक के साथ हम लोग कैसे बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम, उसके बारे में डिस्कस की हुई है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बुक आपको हिंदी एडिशन, इंग्लिश, पंजाबी तीन लैंग्वेज में मिलेगी। इसके अंदर जो पहला हमारा है, जो मेन इम्पॉर्टेंट है, जैसे हमारे पास कोई भी व्हीकल आ गया उसके अंदर एक टेक्नीशियन मैकेनिक, दो इलेक्ट्रिशियन, अगर डीजल व्हीकल है तो तीन, उसके बाद ईसीएम रिपेयर चार टेक्नीशियन का काम आ जाता है। इस बुक के साथ अगर इस बुक को मैकेनिक रीड कर रहा है, वो इलेक्ट्रिकल का 100% क्लियर करेगा फॉल्ट, 100% अगर कोई मैकेनिक इसको रीड करता है। ओके, एक इलेक्ट्रिशियन रीड करता है तो वो ईसीएम तक पहुंच सकता है। मैकेनिक को पहले इलेक्ट्रिकल की फॉल्ट की नॉलेज होनी चाहिए, जो आपको बुक में मिलेगी। अगर एक इलेक्ट्रिशियन है उसको ये ईसीएम तक लेके जाएगी ये बुक। ये हमारा पार्ट है वन। इस बुक के थ्रू आप लोग ईसीएम तक जा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने जो बहुत ही जोर दिया है वो है वोल्टेज के ऊपर। वोल्टेज को कैसे चेक करते हैं, सिग्नल को कैसे चेक करते हैं, सिग्नल कहाँ जाता है, वोल्टेज कहाँ से आती है, बॉडी ग्राउंड क्या है, इसके ऊपर हमने इस बुक के अंदर लिखने में, ये तीन आपको मैं दिखा रहा हूँ लेकिन लिखने में हमें ये 170 पेज के अंदर हम लोगों ने इसको डेफिनेशन दी है पूरा। आपको ये डायग्राम मिलेंगे, आपको काम करना कैसे है, लेकिन उसके लिए टेक्नीशियन को ये बुक पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए टाइम देना पड़ेगा। ये नहीं भी ये बुक हमने ऐसे देखी कि ये क्या लिखा हुआ है, हमारे मतलब की चीज़ क्या है। आप लोग जब इसको पढ़ोगे, बार बार रीड करोगे, तो इसमें से आप
ECM तक जा सकते हो। बहुत से लोगों का कहना है कि हम लोगों को स्कैनिंग करते हुए 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, लेकिन आप लोग अगर इस बुक को रीड करोगे तो आप ECM रिपेयर कर सकते हो। अभी आप लोग सिर्फ फॉल्ट को डायग्नोज कर रहे हो, फॉल्ट को डायग्नोज करने के बाद गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन आपको ECM की अभी नॉलेज नहीं है। ECM करता क्या है, ECM क्या लेता है, क्या दे रहा है, उसके बारे में आप इस बुक में से अगर रीड करोगे, जिनके पास स्कैनर है या जिसके पास स्कैनर नहीं है उसके लिए भी ये बुक 100% हेल्प करेगी काम करने में। इस बुक को हमने बेसिक मैकेट्रॉनिक पार्ट 1 इसलिए रखा है क्योंकि हम लोगों ने जो बहुत ही ध्यान देने के लिए जो कनेक्टर होते हैं वायरिंग के अंदर, जिस पे हम लोग काम कर सकते हैं, जिसके कारण हम लोग बहुत जल्दी फॉल्ट को डायग्नोज कर सकते हैं, ऐसे कंपोनेंट्स के ऊपर, कनेक्टर के ऊपर हमने इसके अंदर डिस्कस किए कि आप लोगों के पास काम फॉल्ट कैसे आएंगे और उसका सलूशन क्या है। जैसे हमारे पास कैन वायर्स हैं, कैन वायर्स एक मैकेनिक को भी पता होना चाहिए, कैन वायर्स काम क्या करती हैं, इसके अंदर वोल्टेज कितनी कितनी आती है, और इसके लिए हमने इसके ऊपर पूरा डायग्राम बनाकर दिखाया हुआ गया है, इसके ऊपर वोल्टेज कितनी आनी चाहिए। ये मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन और ECM रिपेयर और जो फ्यूल पंप के रिलेटेड टेक्नीशियन हैं उनको भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे रिले है, रिले के बारे में हमारे स्टूडेंट्स जो ECM रिपेयर की ट्रेनिंग लेते हैं, मैकेनिक हैं, इलेक्ट्रिशियन को ये पता होता है, और दूसरे जो टेक्नीशियन आते हैं उनको, मतलब इसके अंदर हम लोगों ने एक एक पार्ट के ऊपर जो हमारे व्हीकल के ऊपर लगते हैं उसके ऊपर इसके बारे में बताया गया है। ये हमारे स्कैनर्स के बारे में, स्कैनर क्यों लेना ज़रूरी है, इसमें किसी भी एक स्कैनर को हमने प्रमोशन नहीं की, किसी एक स्कैनर के बारे में नहीं लिखा कि आपको ये लेना है। आप किसी भी डीलर से कोई भी स्कैनर परचेज कर सकते हो, हमारा टूल सेल के ऊपर फोकस नहीं है अभी, हम लोग ये एक स्पेशल टूल सेल करते हैं। तो इसके ऊपर हम लोगों ने फॉल्ट को डायग्नोज फिलॉसफी लिखी है इसके अंदर, कैसे कैसे आपके पास फॉल्ट आएंगे, किस तरीके से आपको काम स्टार्ट करना है, ये हमारा अपना खुद का अनुभव है जो हमने इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। सेंसर और वाल्व में डिफरेंस क्या है, हमारे पास फॉर एग्जांपल ये कोड आ गया, रेल प्रेशर सेंसर सर्किट माल फंक्शन, रेल प्रेशर रेगुलेटर वाल्व सर्किट माल फंक्शन। हमारे बहुत से टेक्नीशियन भाई हैं जिनके पास स्कैनर नहीं है, वो दूसरों से स्कैनिंग करवाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि कोड क्या आया और काम हमने कैसे करना है। जिनके पास स्कैनर है उनको एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन जिसके पास स्कैनर नहीं है उनको इस लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उन्होंने एक बार स्कैनिंग लगवा कर उसके बाद खुद काम करना है। तो इसके लिए जिनके पास स्कैनर नहीं है उनके लिए भी ऐसे ही, हमारे पास 10 से 12 ऐसे सर्किट ओपन किया है, आपको पूरा दिखाया गया है एक डायग्राम के अंदर, ओके। सर्किट शॉर्ट क्या है वो भी आपको पूरा इसके अंदर डायग्राम बनाकर दिखाया गया है। सर्किट हाई क्या है, हमारे पास डेली फॉल्ट आते हैं, कम से कम एक डेली सर्किट हाई लिखा आएगा, मतलब 3500 कोड है जिसमें 500 कोड के अंदर सर्किट हाई है। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी यूट्यूब पे जाते हैं, कभी किसी को फ़ोन करते हैं, लेकिन अगर हमें पता चल जाए भी ये सर्किट हाई है क्या, तो आपको किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे इस सर्किट हाई के अंदर कितने कारण हो सकते हैं, इसके ऊपर हमने एक एक डायग्राम बनाकर, एक एक डायग्राम बनाने के बाद आप लोगों को दिखाया गया है फॉल्ट को डायग्नोज कैसे करना है। मतलब ये नहीं है कि फॉल्ट बताए गए हैं,
इसके अंदर एक एक स्टेप लिखकर बताया गया है फॉल्ट को दूर कैसे करना है, गाड़ी को स्टार्ट कैसे करना है। ऐसे ही सर्किट लो है, इसके कितने कारण हो सकते हैं आपको हम लोगों ने डायग्राम बनाकर आपको करना क्या है, मल्टीमीटर के साथ एक एक चैप्टर को रीड करना है और प्रैक्टिकल करना है। रेफरेंस वोल्टेज, इनपुट सिग्नल, ये डेली हमारे पास लैंग्वेज आती है बैंक वन बैंक टू। तो हम लोगों के पास एक फॉल्ट को क्लियर करने के लिए हमें दो दिन तीन दिन चार दिन भी लग जाते हैं, लेकिन इस बुक की हेल्प से आप बहुत कम टाइम में क्लियर कर सकते हो फॉल्ट। तो ये है हमारी बुक, आप इसको रीड कीजिए। इसके साथ हम लोगों ने वीडियो दी हुई है, 25 वीडियो तक आपको मिलेंगी इसके साथ। तो इस वीडियो के अंदर जो बुक में लिखा गया है उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, कोई ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है। उसके साथ आपको इसके साथ काम कैसे करना है वो प्रैक्टिकल दिया गया है। इस बुक को रीड करने के बाद आप लोगों ने कैसे फॉल्ट डायग्नोज किया, किसी भी व्हीकल को रिपेयर किया, तो उसकी वीडियो आप हमें छोटे छोटे क्लिप बनाकर भेज सकते हैं, ताकि हम लोग उस क्लिप को दूसरे मैकेनिक्स या हम अपने YouTube चैनल पे वो डाल देंगे। तो आप लोग प्लीज़ अपने कोई आपका एक्सपीरियंस हो, इस बुक में जैसे लिखा हुआ है अगर वैसे आपका फॉल्ट निकल रहा है तो आप हमें क्लिप भेजिए। वैसे हमारे पास क्लिप आ भी चुके हैं, तो इसी से हमें पता चलेगा भी आप लोग इस बुक को कैसे यूज़ कर रहे हो, ताकि आपका एक्सपीरियंस दूसरों से भी हम लोग शेयर कर सकें। इस बुक के अंदर हम लोग आगे और इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।